तो यामिनी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। बिग बॉस के घर में जा रही हैं, यू नो, एक डॉक्टर से लेकर के, यू नो, बिग बॉस का जो अभी अभी तक जो सफर है, इसको आप कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस। और बहुत लंबी जर्नी रही है लाइफ में। पहले इतनी सारी एजुकेशन कर ली और उसके बाद बिल्कुल ही एक ऐसे क्रिएटिव फील्ड में आ गए, फिर एक्टिंग किया और अब यहाँ पे कलेश करने आ गई हूँ। सो यू नो, जब आपको बोला गया कि बिग बॉस के घर में जाना है एज ए हाँ, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, फर्स्ट थॉट क्या था और पहला दिमाग में बात क्या आया? मेरे को ना यकीन ही नहीं हुआ था। मेरे को लगा किसी ने फेक कॉल किया है, कोई ऐसी प्रैंक कर रहा है। फिर जब लगा कि नहीं, जेन्युइन है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक्स टू यू नो द ऑलमाइटी, शिव जी, गुरु जी, थैंक्स टू बिग बॉस टीम, जिन्होंने मुझे कंसिडर किया, जिन्होंने मुझे बुलाया कि नो वी वॉन्ट यू, जो तुम्हारा मसाला है वो तड़का है वो हमें अपने शो में डालना है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिग बॉस एक ऐसा घर है, लोग यहाँ जाते तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, जाने के बाद ही पता चलता है। आपने, और चूंकि आप पहले से देख चुकी हैं, राइट, हाँ, सब कुछ देखा है, कौन कैसा गेम खेल रहा है, कौन किसके ग्रुप में है, पूरी डायनेमिक्स आपको पता है। अब आप जब घर के अंदर जाएंगे, आपको लगता है कि कुछ कुछ आपको फायदा है, मतलब आपको सब कुछ पता है और आप अपना गेम बहुत अच्छी तरह से खेल पाएंगे? मैं ना स्पॉन्टेनियस इंसान हूँ, तो फ़ायदा मुझे तब होता अगर मैं डे वन आ गई होती और मैं किसी को नहीं जानती होती, तो बिल्कुल ब्लैंक कैनवस होता। अभी सबको ना देख लिया है, तो थोड़ी सी प्री कंसीव नोशंस बनी हुई हैं, बट मैं वो रखना नहीं चाहती, क्योंकि अंदर जाके मैं देखूंगी कि किसकी मेरे साथ कैसी वाइब है, कौन मेरे साथ अच्छा है, या कौन मेरे को तंग करना चाहता है, कौन मेरे से जल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आई विल स्टार्ट प्लेइंग द गेम। तो अगर आपसे जानना चाहें, यू नो, कि घर में जाते ही किस तरह से आप पूरा घर हिलाने वाली हैं, अपनी ग्लैमर का तड़का लगाने वाली हैं, क्योंकि प्लान क्या है आपका, मतलब किस तरह से आप पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके जा रही हैं? मैंने ऐसा सुना है कि कितने मर्जी प्लान बना लो तुम बाहर, लेकिन जिस मिनट तुम घर के अंदर घुसोगे ना, सबकी वाटी लगेगी, तो सारे प्लान फ्लॉप हो जाएंगे। और वैसे भी ना, मैंने आज तक लाइफ में जो भी प्लान्स बनाए हैं ना, वो तो कभी नहीं हुए, हुआ तो कुछ और ही है। तो इस बारी मैं बिना प्लान के जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि, मैं हूँ भी स्पॉन्टेनियस इंसान, तो सामने से जो आएगा ना वही रख के देंगे। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, और नफरत दोगे तो फिर वाट लगा देंगे। सो अभी तक जो आपने देखा, आपके हिसाब से कौन आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा खेल रहा है, और कौन है जिसके साथ आप उसके साथ गेम खेलना चाहेंगी, मतलब ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल उसके साथ खेलना चाहेंगे? जैसे रजत है, यू नो, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वो क्या खेल रहा है, मतलब देख रही है उसको ऑडियंस। समटाइम्स यू नो, वेदर यू लव समबडी और यू हेट समबडी, बट यू कांट इग्नोर दैट पर्सन। सो रजत दलाल एक्चुअल में इस शो का वही इंसान है कि तुम उससे चिढ़ भी लोगे ना, बट तुम उसको देखोगे ज़रूर। तो उसने थोड़ी सी लाइमलाइट छीनी हुई है आजकल, तो मेरी कोशिश होगी उससे लाइमलाइट वापस छीनने की, कि सुन तेरा हो गया अभी, चल पंजावन आ गई है, अभी पंजावन की बारी है। और कौन है घर के अंदर, यू नो, चाहे विवियन हो चाहे करण हो, यू नो, विवियन को ये कहा जा रहा है, चूंकि बिग बॉस ने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया कि वो मेरा लाडला है और उसको टॉप टू कंटेस्टेंट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, और जो करण है उनके उनको ऐसा बाहर कहा जा रहा है कि बिग बॉस उसको विलन बना रहे हैं या दिखा रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, बिग बॉस ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकते जो आप कर नहीं रहे हो या कह नहीं रहे हो। अगर आपने कहा है तो वही एग्जैक्टली दिखाया जाएगा ना। तो करण जी ऐसा कह रहे हैं, अभी लास्ट जो जस्ट कुछ दिन पहले, अगर आपने शिल्पा जी को नहीं बनाया टाइम गॉड, तो आप बोलते कि हाँ शिल्पा जी, आपने मुझे नहीं बनाया, टिट फॉर टैट, मैंने आपको नहीं बनाया। ये बाद में आप रोने क्यों गए, माफी क्यों मांगने गए? तो इसमें एज एन ऑडियंस, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ, मैं कंटेस्टेंट नहीं हूँ, एज एन ऑडियंस मुझको नहीं अच्छा लगा। मुझे चाहती थी कि वो जाता, वो बोलता, शिल्पा जी आपने मेरे साथ गलत किया था उस दिन, आपने, मेरे साथ रहते हो, मेरे फ्रेंड हो, वॉट उसको आपने टाइम वॉट उसको बनाया था, तो अब जब मेरी बारी आई मैंने आपको काट दिया, बोलता नहीं बोला, तो फिर बिग बॉस की क्या गलती इसमें? आपने जो बोला आपने वही वही हुआ। और विवियन के बारे में क्या कहेंगे, उनको हमेशा, यू नो, लोग जो निकल के आए वो बोलते हैं कि, यू नो, घर के अंदर कुछ नहीं करता, उसको अच्छा दिखाया जा रहा है।
नहीं अच्छा दिखाया नहीं जा रहा है, वो जैसा है वही दिखाया जा रहा है, अगर वो नहीं लड़ रहा है तो नहीं दिखाया जा रहा है, जिस दिन वो लड़ रहा है वो लड़ता हुआ दिखाया जा रहा है, ज़्यादातर वो लड़ता नहीं है, जैसे रजत भी अगर उसको धमकाता है बिल्कुल मुँह पे आके कान पे आके भी धमकाता है पर वो नहीं रिएक्ट करता है, वो बाद में आके बोलते सुन रजत ऐसे ऐसे हाथ मत करना, हाँ तो उसको ज़्यादा बस अपनी पड़ी होती है कि मेरे को हाथ मत लगा देना, मेरा कप मत छू देना, मेरे टॉवल को मत छू देना, मेरा कंबल मत छू देना, उसको अपनी पड़ी होती है। बिग बॉस के गेम में बीच में आप जा रहे हैं राइट, तो आपको क्या लगता है इसका कुछ यू नो फायदा होगा आपको या फिर इसका कुछ नुकसान है? नुकसान है बट उसको मैं फायदे में तब्दील करूंगी। नुकसान तो है क्योंकि अब सबके बॉन्ड्स बन चुके हैं, सब बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, चाहे वो प्यार का बॉन्ड हो, चाहे वो नफरत का बॉन्ड हो, चाहे वो दोस्ती का बॉन्ड हो, बॉन्ड्स सबके बन चुके हैं, सब ने सबके बारे में सब कुछ कर लिया है। लेकिन आई थिंक एक महीने से आप एक साथ रह रहे हो तो आप बोर भी तो हो गए होगे ना, तो अब आपको यामिनी मल्होत्रा का तड़का चाहिए। तो ये मेरे फायदे की बात है कि इंटरवल तक वो लोग आ गए हैं, अब इंटरवल के बाद क्लाइमेक्स तक मैंने लेके जाना है। क्या बात है, आपके साथ दो और नाम नहीं बताना चाहेंगे, दो और ग्लैमर का तड़का जा रहा है साथ में, क्या लगता है बहुत धमाल होगा या फिर आपस में ही टकराव हो जाएगा कुछ ऐसा? ये ना मुझे अभी जस्ट पता चला है कि अच्छा बहुत सारे दिवाली के पटाखे अंदर छोड़े जा रहे हैं तो दिवाली के बाद दिवाली चली गई, एक महीना हो गया बट पटाखे अभी तक अब पटाखे अब बजने जा रहे हैं, तो देखते हैं या तो 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज एकदम से दोस्ती में आ जाएंगी, गर्ल गैंग बना लेंगी, या फिर 3 लड़कियां एक साथ भेज रहे हो तो कैट फाइट भी हो सकती है। इसके अलावा 2 ऑलरेडी हैं, आपको लगता है वो लोग धमाल मचा पाए दिग्विजय एंड कशिश? पटाखे छोड़े थे बिग बॉस ने तो जब वो आए थे तो वो बड़ा वाला एटम बॉम्ब बन के आए थे, लेकिन आवाज आई ठा कुछ नहीं हुआ बस था। चलिए अविनाश के गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, स्टार्ट से ही बुरा यू नो उनको कुछ लोगों ने बोला रिलेट किया आसिम के साथ कि गुस्सा आसिम जैसा है, और जो उनके जो दोस्ती है जो ट्रायो है जो तीनों का है ईशा एलिश अविनाश का, कैसे देखते हैं आप? जब अविनाश ने शुरू में वो किया था ना तो उस समय एज एन ऑडियंस मुझे बहुत चिढ़ मची थी अविनाश से, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि लड़का है लॉजिकल, उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी सबके बारे में ना वो बिल्कुल सही निकली हैं बाद में, तो वैसे तो वो सही था। बाकी ये जो ट्रायो है इसका अविनाश को तो फ़ायदा है, गर्ल्स को नुकसान है। गर्ल्स तो भूल गई हैं कि हम सोलो खेलने आए थे, वी आर सोलो, और लास्ट में ट्रॉफी एक को ही मिलती है, स्टेज पे दो ही चढ़ते हैं तो तुम तीनों नहीं जा पाओगे आगे, तो गर्ल्स को अपनी गेम खेलनी पड़ेगी। ईशा और अविनाश की दोस्ती को दोस्ती से बढ़ के बताया जा रहा है, लोग बोल रहे हैं लवी डवी या लव एंगल से जोड़ा जा रहा है बाहर, आपको भी लगता है ऐसा कुछ, आपको भी फील हो रहा है? देखो अटैच तो वो दोनों हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं, मैं अंदर जाके थोड़े से ताक झांक करूंगी, ध्यान रखूंगी थोड़ी सा, फिर आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चल रहा है। पहले ही जाते ही पहला अटैक किस पर होगा आपकी रडार पे, पहला कौन है? मेरे रडार पे कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि चाहत है ना वो चौंचों करेगी और मेरा मेरे को ऐसा चुप हो जाना और वहीं से लड़ाई शुरू हो जाएगी, और वो एक बार जिसके पीछे पड़ जाए फिर वो उसको बख्शती नहीं, तो सबसे पहला मुझे लगता है कि जो मेरा कलेश होने वाला है वो चाहत से होने वाला है। चाहत और विवियन का जो नोकझोंक चलता है वो आपको कैसा लगता है ना, बार बार पीछे पीछे यू नो खुद विवियन बोलते हैं कि मैं इरिटेट हो गया हूँ इससे। बस हम भी इरिटेट हो गए हैं, चाहत प्लीज अब कोई नया कुछ लाओ, नया दुश्मन ढूंढो या फिर कुछ नया फ्लेवर खेलो ना, एक ही पास्ता बना बना के कितने दिन खा लोगे ना, वो सेम कर दिया तुमने, एक ही विवियन और उसकी कॉफी। आपने कहा बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन है, हर सीजन लगभग आपने देखा है, कोई ऐसा फेवरेट कंटेस्टेंट जो आप जिसे बहुत एडमायर हुई हो या यू नो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? बहुत सारे एक्चुअली, हर सीजन में कोई ना कोई एक फेवरेट हो जाता था, जैसे कि लास्ट ईयर मुझे अंकिता के ना कपड़े बहुत पसंद आते थे, और
अंकिता की मम्मा जब सॉरी विक्की की मम्मा जब आती थी ना, तो वो क्या तड़का मारती थी, बहुत मज़ा आता था। तो ऐसे लास्ट ईयर ये हुआ था। फिर उससे पहले प्रियंका चहार मुझे बहुत पसंद आती थी, बिकॉज आई कैन रिलेट विद दैट पर्सनैलिटी, दैट काइंड ऑफ, जैसे वो भी बिल्कुल अपना स्टैंड लेती है और मैं भी चाहूँगी कि मैं अपना स्टैंड लूँ। शहनाज गिल बहुत क्यूट लगती थी, और मेरे अंदर भी वो बचपना है, वो रौनक है, वो पंजाबियत है जैसी शहनाज गिल के अंदर थी, तो वो मेरी बहुत फेवरेट होती थी। हिना खान मेरी बहुत फेवरेट होती थी, तो हर शो में ही कोई ना कोई था। और मैं तो शुरू से देख रही हूँ, तब जब डॉली बिंद्रा भी ऐसे करती थी ना, ए बाप पे मत जाना, मैं तब भी देखती थी, तब वो भी मुझे मजा आता था। फर्स्ट जो थे ना, क्या कहते हैं, राहुल रॉय, वो तब से देख ही रहे हैं बस। अगर आप से जाना चाहें, जब आपके साथ किसी का मुद्दा हो, मतलब फाइट हो गया, झगड़ा होगा, तो आप किस तरह से हैंडल करना चाहेंगे? बहुत एकदम अपना अलग ही अवतार, या बहुत काम तरीके से, या फिर बहुत समझाने वाले? मेरे को अगर इतनी सी भी पिन मारोगे ना, तो मैं उसका इतना रिएक्शन देती हूँ, तो शायद अंदर कलेश होंगे, बहुत सारे कलेश होंगे। ओके, आप अभी तो जा रही हैं, बट वहाँ जाके घर के अंदर लव लपाटा भी शुरू हो जाता है, और आप चूंकि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत भी हैं, तो क्या लगता है घर के अंदर किसी के साथ कनेक्शन बन सकता है आपका? लव कनेक्शन बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस ने इस बारी सिंगल लड़के कम डाले, और जो सिंगल लड़के डाले हैं फिर वो राजा दलाल है, वो बग्गा है। तो लव कनेक्शन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ मैं हॉट हूँ, तो क्या पता किसी को मुझसे प्यार हो जाए। ओके, बिग बॉस जब आपको पूरी तैयारी हो चुकी है, क्या कुछ लेके जा रही हैं साथ में, क्या कुछ रहेगा आपके साथ, कितने कपड़े, क्या कुछ हुआ है? कपड़े बहुत सारे लाई हूँ, बहुत सारी साड़ीज़ लाई हूँ, बहुत सारी हॉट ड्रेसेस लाई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत हॉट दिखूँ टीवी पे। और एक स्पेशल कुछ होता है जो अपने साथ ले जाते हैं, अपनी यादों को या कुछ ऐसी चीज़ें लेके जा रही हैं? नहीं, मैं बस अपने मन में क्या कहते हैं, बहुत जो अपना मंत्र है मेरा शिव जी का, गुरु जी का, मैं बस वो साथ में लेके जा रही हूँ, और अपनी पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेके जा रही हूँ, अपनी पूरी फैमिली का लव लेके जा रही हूँ, और जितनी मेरी ऑलरेडी ग्रोन इंस्टाग्राम फैमिली है जैसे, तो उन सबका सपोर्ट लेके जा रही हूँ। और मेन मैं चाहती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ अंदर जा रहे हो, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ हिम, तो मैं चाहती हूँ कि बस वो साथ रहे मेरे। और बस गुम के किसी स्टार कास्ट या किसी से बात हो पाई है कुछ? गुम की कुछ स्टार कास्ट को पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के फोन अभी आ चुके हैं, बाकी मैंने किसी से सजेशन नहीं लिया है, वो खेल मुझे अपना ही खेलना है। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस कि किस तरह से ग्लैमर का तड़का लगेगा, प्लस आपका कुछ अलग ही अवतार दिखेगा? अवतार तो देखिए सामने है, अब वो लड़कियां थोड़ी सी बोरिंग हो रखी हैं, और आ गया है पचाका, और बस आप लोग वोट कर देना, उसमें कोई कमी मत छोड़ना, जिस दिन मैं नॉमिनेट हो गई ना, तो बस बचाने आ जाना, मेरे प्रोटेक्टर्स बन जाना। आखिरी सवाल, सलमान खान से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड? जब सलमान खान सामने होंगे, फर्स्ट वर्ड क्या बोलेंगे आप? हाय। पता नहीं क्या होगा, मतलब सुनना है, जैसे श्रुतिका भी अंदर बोल रही थी कि वी वर इन ऑफ सलमान सर, तो पता नहीं वो ऐसे ही रिएक्शन कुछ आता होगा, वो ऑन द स्पॉट ही आता होगा। तो कुछ सोचा नहीं कि मिलते ही ये वर्ड बोलना, क्योंकि पहली बार मुलाकात होगी, फेस टू फेस होगा कुछ ऐसा? ऐसे हाय सलमान सर। और मेरी नाराजगी है उनसे कि मेरे को वो, मैं ग्रैंड एंट्री पे नहीं जा रही हूँ, मेरी नाराजगी है कि मुझे बिना मिडल ऑफ द वीक डाला जा रहा है, उन्होंने मुझे वीकेंड के वार पे नहीं डाला है, तो मेरी नाराजगी है कि सर मिले ही नहीं हो आप मुझसे। तो जब मिलेंगे तो क्या होगा? नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि प्लीज अंदर आ जाओ, जैसे गार्डन एरिया में हम प्रकट होएंगे, तो ऐसे आप भी हमारे लिए प्रकट हो जाना कि यमनी में आ गया, ये लो अब करो इश। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय।